Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, vastu consultant and an astrologer. Ye video hai regarding August 2019 love relationship tarot reading for Pisces. So Pisces ke regarding August 2019 in terms of relationship kaisa rahega, unke partner kaisa feel kar rahe hain, kya situations hain, kya tarot cards guidance dena chahte hain. So Pisces, first of all, kahin na kahin in the month of August 2019 आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को मिस करते हुए दिख रहे हैं. नाउ इसके दो इंटरप्रिटेशन होते हैं, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन. सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किससे कितना रिलेट हो पा रहे हैं. बट फर्स्ट थिंग, वेन एवर दिस इज सिक्स ऑफ कप्स, दिस इंडिकेट कि सबसे पहली चीज़ कि मे बी देयर आर चांसेस कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कुछ मिसकम्युनिकेशन हुई है जिसकी वजह से वो इतनी बात नहीं कर रहे हैं, कम बात कर रहे हैं. एंड यू आर मिसिंग देम एंड यू वॉन्ट टू टॉक टू देम. आप उनसे बात करना चाहते हैं बट वो कर नहीं रहे हैं. सो समहाउ पाइसेस, यू आर मिसिंग देम. इसके अलावा, या अगर आपके और आपके पार्टनर की नॉर्मल कम्युनिकेशन है, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट कुछ ऐसी अनबन है जिसकी वजह से आप अपना पास्ट का गुड टाइम मिस कर रहे हैं. दिस कुड ऑल्सो मीन दैट ऑल्सो. कहीं ना कहीं, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम अपनी लाइफ में जैसा समय हमारा पहले था, हम वो रिलेशनशिप में चार्म मिस कर रहे हैं. एंड ऑल्सो पाइसेस, इफ़ यू आर सिंगल एंड नॉट इन अ रिलेशनशिप येट, सो पाइसेस दिस इंडिकेट्स कि आप अपने एक्स को मिस कर रहे हैं, या जो आपकी लाइफ में आपके पास में रोमांस था, लव था, यू आर मिसिंग दोज मेमोरीज एंड बहुत बहुत डीपली आप उन्हें मिस कर रहे हैं. दैट इमोशन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पाइसेस. सो ये तीन इंटरप्रिटेशन बनते हैं पाइसेस. सो इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सो यू आर मिसिंग दैट पॉजिटिविटी एंड चार्म जैसे पहले था. अगर आप सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं अपने एक्स को एंड पास में किसी को बहुत ही ज़्यादा डीपली मिस करते हुए दिख रहे हैं. दैट यू वॉन्ट दम बैक एट एनी कॉस्ट. तो वो वाली डीप एनर्जीज ऑफ लव दिख रही हैं कार्ड्स में. दैट इज़ द ऑल ओवर एनर्जी फॉर पाइसेस इन दी अगस्त मंथ की, हाउ दे आर फीलिंग. नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर्स की कैसी एनर्जीज हैं. आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर गुस्सा है, प्रॉब्लम में है, वरिड है, आपसे शायद कम बात कर रहे हैं, या जैसे वो पहले थे थोड़े से चेंज हुए हैं एंड थोड़ी सी उनकी लाइफ में स्ट्रगल दिख रही है. बिकॉज एस ऑफ स्वॉर्ड शोज दैट कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उतना आपको प्यार, उतनी अटेंशन, या किसी चीज़ को लेकर गुस्सा है तो वो थोड़े से डिस्टर्ब्ड हैं. माइनर है, मेजर कार्ड नहीं है, ये कोई मेजर प्रॉब्लम का कार्ड नहीं है, बट येस, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को लेकर थोड़े से डिस्टर्ब्ड या थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्ट्रेस दिखता है. करंट सिचुएशन पे भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर करंटली सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है. तीसरा कार्ड भी यही इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कोई चीज़ों को लेकर ट्रस्ट इश्यूज, स्ट्रगल या कोई अनबन मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई दिख रही है. ये तो एनर्जीज हैं कि ऑल ओवर अगस्त मंथ की आपके पार्टनर के साथ एनर्जीज कैसी. तो थोड़ी सी स्ट्रगल, माइनर मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है. हैंडल इट विद पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखें, अपने पार्टनर को थोड़ा सा स्पेस दीजिए. बिकॉज ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि वो लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, वरिड हैं, अपनी लाइफ में बहुत कुछ हैंडल कर रहे हैं, इसीलिए मे बी वो थोड़े से इरिटेटेड हैं, थोड़े से रूड हैं. इस वक्त में उतनी तरीके से आपको अटेंशन नहीं दे पा रहे शायद, तो उनकी एनर्जीज थोड़ी सी डिस्टर्ब दिख रही हैं इन दी कार्ड्स. बात करें ऑल ओवर अगस्त मंथ में आपके लिए गाइडेंस क्या, तो मे बी इन दी मंथ ऑफ अगस्त आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई सेलिब्रेशन है, कोई इवेंट होने वाला है. मे बी इन दी अगस्त मंथ यू आर ऑल्सो गेटिंग एंगेज्ड और मैरिड, या आपके कज़न या रियल ब्रदर सिस्टर्स की किसी की मैरिज है, कोई इवेंट है, कोई सोशल ओकेजन, कोई ना कोई इवेंट होने के चांसेस हैं आपके रिलेटिव में या फैमिली में. बट इसके अलावा दिस कार्ड ऑल्सो इंडिकेट कि अगस्त मंथ में ट्राई योर बेस्ट कि आप थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें, या जिनसे भी आप कनेक्ट होते हैं इमोशनली. जैसे कि कई बार कार्ड होते हैं जो हम कहते हैं कि कपल्स के साथ में ये मंथ में एनर्जीज थोड़ी वीक है, तो अपने आप को खुश रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड्स एज वेल. तो अगस्त मंथ में ज़रूर वक्त निकाल कर थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल लाइफ में थोड़ा सा इंगेज हों, थोड़ा सा पॉजिटिविटी फील करें, तो आपको ज़रूर वो हैप्पीनेस देगी. बिकॉज कहीं ना कहीं पाइसेस, इफ़ यू आर सिंगल ऑल्सो और इन रिलेशनशिप, आप जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका मन अब थोड़ा सा सैड है, अपसेट है, बिकॉज यहाँ पे अमावस्या का चांद है, हाफ मून. तो यहाँ पे हम इसे कहते हैं दिस इज़ द पर्सन इज सैड एंड अपसेट विद समथिंग. बट वहीं पे आपके लिए अगस्त के लिए जो गाइडेंस है कि आप क्या करें इसे पॉजिटिव रखने के लिए, तो यहाँ पे आपके लिए है तो फुल मून. सो दिस मूड स्विंग्स जो आपके हो रहे हैं, जिस भी चीज़ को आप सैड है, भले आप रिलेशनशिप में सिंगल हैं, जिस भी वजह से आप रिलेशनशिप में सैड एंड अपसेट हैं,
जब आप वक्त थोड़ी सी फ्रेंड्स के साथ बिताएंगे या अपनी आपकी मदर फादर क्यों ना हो, आपके जिससे भी आप इमोशनली कनेक्ट होते हैं, सोशल इवेंट में जाएं, कोई भी चीज़ आप करें, लोगों से मिले, बातें करें, अकेले रहेंगे तो आप और नेगेटिव होंगे और मिस करेंगे और ज़्यादा सोचेंगे। बी विद अ सोशल लाइफ, थोड़ा सा फोर्स करें अपने आप को, न्यू फ्रेंड्स बनाएं, सोशल लाइफ में रहें। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर सिंगल ऑल्सो, ज़रूर आप न्यू फ्रेंड्स गेट टुगेदर में जाएं, मिलें, ताकि आप न्यू फ्रेंड्स न्यू लाइफ साइकिल से मिल सकें, ताकि दैट विल हेल्प यू इन योर लाइफ टू बी पॉजिटिव। सो सोशल लाइफ सर्कल को इम्प्रूव करने के लिए मैं कहूँगी, डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, दैट विल हेल्प यू टू डील विद ऑल दिस। बिकॉज दिस का थ्री ऑफ कप्स नेवर इंडिकेट्स कहीं ना कहीं कि जिससे मैं आपसे कहूँ कि रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं या आप किसी चीज़ को लेकर सैड हैं, अपसेट हैं, सो टॉक विद योर पार्टनर। आपके पार्टनर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब एंड एजिटेटेड हैं, उन्हें थोड़ा सा समय दीजिए, वो अपने आप इम्प्रूव एंड पॉजिटिव होंगे। दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट कि आपके पार्टनर अगर किसी भी चीज़ को लेकर सैड हैं, अपसेट हैं या आपको उतना प्यार नहीं दे पा रहे हैं इस वक्त में, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट आपको अपनी पॉजिटिविटी बनाकर रखने के लिए थोड़ा सा समय निकाल कर रिलेशनशिप को थोड़ा सा थोड़े वक्त के लिए भूल कर थोड़ी सी अटेंशन कहीं और कीजिए, ताकि आप वापस से रीजुविनेट एंड पॉजिटिव हो पाए पाइसेस। बिकॉज इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं, सो उसको पॉजिटिविटी लाने के लिए, हैप्पीनेस के लिए, इमोशनल हैप्पीनेस के लिए, यू नीड टू गो फॉर एन आउटिंग, स्पेंड सम टाइम, मेक योर सेल्फ पॉजिटिव, दैट विल बी हेल्पफुल। सो दिस वॉज अ रीडिंग फॉर ऑल दी पाइसेस फॉर दी अगस्त 2019। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, सो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।